हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह अपने चैनल जीएस इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैं आज इस वीडियो में आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे जानकारी दूंगा। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी भी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही टाइप है, जिसको के पावर सिस्टम में हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पावर ट्रांसफार्मर की तरह ही है। करंट ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर की तरह ही प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये करंट ट्रांसफार्मर है। ये करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। इस डायग्राम में ये जो N1 है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करता है और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करता है। I1 प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट जो है I2 है। करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जैसे कि आप जानते हैं, इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स। यदि बाइंडिंग के जिस साइड करंट ज़्यादा होगा उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, और जिस साइड करंट कम होगा उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी। पावर इज इक्वल टू होता है VI। जिस साइड वोल्टेज इंक्रीज होगी उस साइड करंट कम होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी साइड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि N2 इज मच ग्रेटर देन N1 है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये लोड लाइन के सीरीज में कनेक्ट है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके क्रॉस एमीटर कनेक्ट किया गया है। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है एक 11 kV लोड लाइन के अक्रॉस कनेक्टेड है। प्राइमरी वाइंडिंग की जो वायर है वो एक थिक साइज की यूज़ किया गया है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और जो सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है उसकी लिए जो वायर का साइज है वो थिन है और इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स है। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी साइड ज़्यादा होगी और करंट कम होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग की साइड वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण ह्यूमन सेफ्टी रीजन के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एमीटर कनेक्ट किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग 1 एम्पियर और 5 एम्पियर रेटिंग की नॉर्मली होती है। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई होती है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग की इंसुलेशन जो है फेलोअर हो सकती है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग परमानेंट शॉर्ट हो सकती है। इसलिए सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमेशा एमीटर, एनर्जी मीटर और वाट मीटर की कॉइल कनेक्ट होनी चाहिए। यदि किसी कारण इन मेजरिंग डिवाइसेस की कॉइल ओपन हो जाए तो शॉर्ट टाइम के लिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग को एक थिक वायर से शॉर्ट किया जा सकता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग टू करंट ट्रांसफार्मर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है जो मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर है। इस प्रकार के करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हाई करंट को सेफ मैनर से मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइसेस जैसे कि एमीटर, एनर्जी मीटर और वाट मीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है।
आम तौर पे जी क्लास 0.1, 0.2 और 1 में मिलते हैं, और जो दूसरा टाइप है उसको प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर का यूज प्रोटेक्टिव सर्किट में प्रोटेक्टिव रिलेज के साथ किया जाता है। ये क्लास 5P10, 10P10 और 5P20 में मिलते हैं। प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर की PS क्लास भी होती है, जिसको के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में भी मिलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है जो बाउंड टाइप है। ये जो मेरे सामने आप करंट ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये बाउंड टाइप है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग जो होती है कोर के ऊपर बाउंड होती है, और जो दूसरा टाइप है वो बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो रिंग टाइप होती है, और जो एक कॉपर बार जो होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करती है वो कोर के थ्रू पास होती है, और ये जो बार होती है ये प्राइमरी करंट के अकॉर्डिंग टू इसका जो करंट रेटिंग होता है, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कोर के ऊपर बाउंड होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज और हाई करंट लाइनों में यूज किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का जो तीसरा टाइप है उसको विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो रिंग टाइप हॉलो कोर होती है। इस हॉलो कोर के अंदर से इंसुलेटेड कंडक्टर जो रन होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है इस हॉलो कोर के ऊपर वाउंड होती है। करंट ट्रांसफार्मर को कूलिंग मीडियम के अकॉर्डिंग टू 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो फर्स्ट टाइप है वो ऑयल टाइप है, और जो सेकंड टाइप है जो ड्राई टाइप है। अभी मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन के बारे बताता हूँ। ये जो मेरे सामने करंट ट्रांसफार्मर है वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर है, इसका जो टाइप है इंडोर है, और ये जो एपॉक्सी कास्ट है जो इसको इसकी जो रेशो है 300-150 ओब्लिक 5-5 एम्पियर है, और ये 2 कोर का सीटी है। इसकी जो फर्स्ट कोर है उसकी जो एक्यूरेसी क्लास है वो 0.5 है, जिसको के मीटरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और जो सेकंड कोर है उसकी जो एक्यूरेसी क्लास है वो 5P20 है, जिसको के प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और जो इस फर्स्ट कोर के ऊपर जो वर्डन है वो 15BA के लिए डिज़ाइन की हुई है, और जो सेकंड कोर है वो भी 15BA के लिए डिज़ाइन की हुई है। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये हाई सिस्टम वोल्टेज जो इंसुलेशन लेवल है इसका वो 12/28/75 किलो वोल्ट पीक है, और जो इसका जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग है वो 26.3 kA/s है। इसका मीनिंग है कि प्राइमरी बाइंडिंग के अक्रॉस यदि 26.3 kA/s के लिए जो लोड आ जाए तो भी ये बाइंडिंग शॉर्ट नहीं होती है, और जो ये 350 Hz फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, और जो ये सिस्टम वोल्टेज और लाइन वोल्टेज 11,000 वोल्ट के लिए है। ये सेवियो ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्रीज़ गाजियाबाद यूपी का बना हुआ है। मेनली जो करंट ट्रांसफार्मर बहुत सी कंपनियों के मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि ज्योति इलेक्ट्रिकल्स, प्रगति और अरीबा जैसी कंपनियों के करंट ट्रांसफार्मर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हो करंट ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो प्राइमरी वाइंडिंग है
उसका जो स्टार्टिंग एंड है P1 है, जहाँ इसमें के लाइन कनेक्ट किया जाता है, और P2 है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये करंट ट्रांसफार्मर का P1 पॉइंट है और ये P2 है। ये प्राइमरी वाइंडिंग के दो पॉइंट है। लोड लाइन के सीरीज में इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट किया जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये 2 कोर की है। इसकी जो फर्स्ट कोर है उसको मीटरिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है और सेकंड कोर को प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। थैंक्स।